पी मैरिड लाइफ मैंने सिर्फ चार दिन का देखा है फोर्थ डे उन्होंने बोला कि तुम तो इतने लड़कों से बात करती हो He kept his hand on my vagina, और मुझे बोला कि Take care of this. इसको हो क्या गया ये इतनी चहकती पहकती आज ये बुझ सी गई है। चार दिनों में ऐसे क्या हो रहा है उनने कहा हमारे बच्चे को इसका नशा था अब ये नशा उतर गया है अब इसको किसी और का नशा लगाएंगे हम चाइल्ड और मैं उसके कैबिन में बैठ के मैं चिंगाड़ चिंगाड़ के रोई थी उनसे पूछा डू यू वॉन्ट मैसेज कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा नमस्ते Uh, मेरा नाम परिजाद शेख है मैं रुबीना शेख के नाम से भी जानी जाती हूँ मैं मुंबई की रहने वाली हूँ करंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ हमारे पेरेंट्स लोगों ने काफ़ी फ़ोकस किया है बच्चों की एजुकेशन के लिए स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके के कॉलेज uh, में मैं जब गई तो मुझे एक लड़का मिला वहाँ पर uh, हम अट्रैक्टेड हो गए थे एक दूसरे को लेके एंड आई केम अप इन टू अ रिलेशनशिप मैंने उसे प्रपोज़ किया था वो से था नाइन टू टेन मंथ्स वो सेलिंग करता था और जब वो सेलिंग करता था वी यूज़ टू बी हम काफ़ी रेगुलरली फ़ोन पे या ई मेल्स पे कनेक्टेड रहा करते थे और मैं उसके उससे सारी बातें शेयर करती थी तो वो लड़कों के बारे में जब मैं उसे बताया करती थी तो वो एक दो बारी काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो गया वो काफ़ी पॉजिटिव होने लगा आ, बाकी लड़कों की बातों को लेके तो आई मैंने इससे लड़कों के बारे में बात करना बंद कर दिया था वी टू हैव नॉर्मल हम नॉर्मल रेगुलर टॉक्स करते थे आ, खाली हमारे बारे में बात किया करते थे और ले, मैंने कॉलेज डे से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट रही हूँ कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली मैं आ, अपने पैरों पे कॉलेज डे से ही खड़ी हूँ मैं मुंबई की बहुत नामचीन क्लासेस में पढ़ाती थी मैथमेटिक्स टीचर थी मॉर्निंग टाइम में मैं कॉलेज जाती थी आफ्टरनून टाइम पे मैं क्लासेस में जाके मैं मंथली इन द ईयर 2008 में मैं मेरा मंथ का इनकम हुआ करता था 75,000 फाइव थाउजेंड टू वन लाख रुपीज़ हम रिलेशनशिप में रहे थे एट ईयर्स तक एट ईयरस के बाद हमारा रोका हो गया हमारी शादी फिक्स हो गई और जब वो शिप पर जाता था उसकी मम्मी मुझे फ़ोन करके ताने मारती थी कि हमारे यहाँ पे लड़कियाँ बुरखे में रहती है कवर्ड रहती है घर के काम काज करती है हम लड़कियों को बाहर पढ़ाई करने नहीं भेजते हैं, हम लड़कियों को बाहर कमाने के लिए नहीं भेजते हैं लड़कियाँ सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी उनके घर में मुझे इसकी बातें उनकी बातें काफ़ी टोंटिंग लगती थी मैंने नहीं पता ये सारी बातें मेरे मंगेतर को मेरे पार्टनर को वो टाइम पे ये सोच के कि शायद वो पे है वो ट्रबल हो जाए वो स्ट्रेस आउट फील करे या मेंटली डिस्टर्ब हो जाए मैंने ये बातें सारी इग्नोर किया था मुझे ऐसा लगता था, था कि वो मेरा है मैं उसकी उधन दैट्स इट, मुझे बचपन से ड्रीम्स आते थे और जहाँ पर मुझे हल्का फुल्का आगे का अंदेशा हो जाता था थोड़े बहुत प्रडिक्शंस दिख जाते थे मेरे शादी के पहले शादी के दो दिन पहले मुझे सेम ऐसे कुछ हल्का फुल्का प्रोडिक्शंस आ चुका था ड्रीम में कि नो शादी नहीं करो स्टॉप uh, uh, मुझे तब समझ में नहीं आया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैंने अपने मंगे तक को उस वक्त कॉल करके मैसेज करके बता दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है कुछ गलत होने वाला है मुझे ऐसा सब दिख रहा है उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस uh, से ये बोला कि हम साथ में रहेंगे हम इटर्निटी में अभी बंधने वाले हैं बहुत जल्द और हमें अब कोई नहीं अलग कर सकता उसकी कॉन्फिडेंस पे मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने खुद की थॉट्स पे इंट्यूशंस पे डाउट किया मैसेजेस पे डाउट किए और मैं आग बंद करके इस बात पे चलने के लिए रेडी थी शादी हो गई मेरी शादी मैं बोल सकती हूँ हैप्पी मैरिड लाइफ मैंने सिर्फ चार दिन का देखा है फोर्थ डे जब रिचुअल्स होते हैं शादी के तो मेरी कज़िन के मंगेतर वो मुझे बहुत पसंद करते थे उन्होंने अपना प्रपोजल मुझे रखा था मैंने उन्हें रिजेक्ट किया था ये बात मेरी कज़िन को पता थी शिवस जेलिस उसने मेरे पार्टनर को मेरी कज़न ने मेरे पार्टनर को साइड में लेके जाके एक शकी बीच बोई जहाँ पे उन्होंने कहा मेरे पार्टनर को कि मैं सही लड़की नहीं हूँ मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ उन्होंने बहुत रॉन्ग डिसीजन लिया मुझसे शादी करने का वो क्रैक इनफ़ था मेरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने का वो मेरे एंड का बिगनिंग था जब वो शक्की बीच मेरी कज़न ने उसके दिमाग में बोई वो मेरे पास नहीं आया था उसके चाल चलन उसकी बातचीत करने का तरीका मुझे बड़ा रूठा रूठा सा था खफा खफा सा था मैंने जब उससे पूछा क्या हुआ उसने भरी महफिल में चिल्ला के आई वॉज ए न्यूली वेडेड ब्राइड और उसने चिल्ला के बोला कि तुम तो दूसरे लड़कों के साथ सो के आती हो तो मेरे एबसेंस में दूसरे लड़के के पता नहीं क्या क्या करती रहोगी और मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो ये ये कहां से आया तो उन्होंने बोला कि तुम तो इतने लड़कों से बात करती हो ही कैप्ट इज हैंड ऑन माई वजाय और मुझे बोला कि टेक केयर ऑफ दिस आई कूडेंट से टू माई फैमिली

वो एक हुआ फिर नेक्स्ट फाइट में आ, उस टेंपर इतना है हो गया कि आठ सालों तक उसने कभी मुझ पे ऊँची आवाज़ में बात नहीं किया था उसने नेक्स्ट फाइट में मेरे आ, मुझे टपली मार दिया था एंड आई लाइक मेरे दिमाग में वो पहला थॉट आया था कि लाइक व्हाट द हेल हाउ डेयर ही मेरे माँ बाप ने कभी मुझे छुआ नहीं हाथ नहीं लगाया ये बंदे ने जिसको मैंने इतनी लिबर्टी दे दी मैंने जिसको इतना खुदा जैसे माना उसने मुझे टपली मारा सीरियसली से टपली मारा या गलती से लगा मुझे वो मोमेंट समझने को टाइम लग गया था कि ये क्या हुआ वॉट जस्ट हैपन उस दिन से लेके जितने भी दिन मैं उस घर में रही हूँ या उसके साथ रही हूँ मैंने सिर्फ फाइट्स किए हैं मैंने सिर्फ कॉरल्स किए हैं हम दोनों के बीच में सिर्फ लड़ाइयाँ हुई हैं आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और आर्ग्यूमेंट्स नथिंग बस एक शक और वो शक ऐसा था कि आ, मैं चाह कर भी उसे निकाल नहीं पा रही थी दिमाग से शक इतना बढ़ गया कि मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों से बात करने को मना कर दिया गया मुझे मेरी फीमेल फ्रेंड्स लोगों से बात करने को मना कर दिया गया उसके कज़न से उसके रिलेटिव्स लोगों से बात करने को मना कर दिया गया एंड टू दैन एक्सटेंट मेरी फैमिली से मुझे बात करने को मना कर दिया गया आई वॉज़ टोल्ड टू स्टे इन द हाउस एक रूम में बैठने को बोला गया था कोई फ़ोन का एक्सेस नहीं था मेरी जॉब छुड़वा दी गई uh, मैं हेल्पलेस थी जॉबलेस थी एट दैट मोमेंट मेरे नज़रों से वो पल पल गिरते जा रहा था मुझे रात भर उसने सोने नहीं दिया रात के दो बजे तीन बजे चार बजे वो मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करता था और वो मेरी अपब्रिंगिंग को उनकी अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन करता था कि ये है आपकी परवरिश ये आप अपनी बेटी को आपने ये सिखाया है मैं से बोलती थी ये फाइट हमारी है तो ये से हमारे बीच में रहने दो डोंट टेक इट टू माई फैमिली फैमिली में मत लेके जाओ जो है मुझसे डील करो और वो मेरे पेरेंट्स को टॉर्चर करता था रात को तीन बजे चार बजे उसने मेरे डैडी को ये तक बोला कि ये आपकी बेटी नहीं है शी मस्ट ऑफ योर आंटी मस्त ऑफ एल्स मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद उसको दो चपेट घूम के मारू कि इसने क्या बोल दिया एक रात में हम जैसे न्यूली मैरिड को दावत आती है लोग बुलाते हैं इनवाइट करते हैं अपने घरों पे। उसके कजन्स ने बुलाया था और उन्होंने डिनर रखा डिनर पार्टी रखा मैं इतनी माइंड ब्लॉक हो गई थी मुझे किसी से बात करने का अलाउड नहीं था उसे एक डर था कि शायद मैं घर में जो भी हो रहा है मैं ये बात लीक आउट कर दूंगी बाहर उसकी फ़ैमिली या उसकी इमेज बाहर ख़राब हो जाएगी सोसाइटी में उनकी फ़ैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए तो मैंने उसे बोला था योर फैमिली इज़ माई फैमिली हम इससे मिल बाड़ के हम संभालेंगे कुछ नहीं होगा मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी जस्ट बी इन योर सेंसेस हम जब उसकी कज़न की इनवाइट पे गए हम जब डिनर पे गए मुझे जैसे एक नॉर्मल न्यूली मैरिड लड़की को देख के कोई भी बोल सकता है दिस गर्ल इज़ सो हैप्पी लड़की खुश है उसकी चकाचौन फेस से मालूम पड़ता है कि लड़की खुश है मेरे चार दिन की शादी में मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता था कि मैं खुश हूँ एवरीबडी हैड क्वेश्चन वट इज़ रॉन्ग विथ इसको हो क्या गया ये इतनी चहकती पहकती आज ये बुझ सी गई ये चार दिनों में ऐसे क्या हो रहा है लोग आगे पूछते थे तुम खुश नहीं हो क्या हुआ है तुम्हें मैं कुछ नहीं बोलती थी मैं खाली ये बोलती थी मेरी तबीयत ख़राब है मुझे ठीक नहीं लग रहा है मैं जब वो कज़न्स के घर पे गई मैं मैंने किसी से कुछ बात नहीं की मेरे दिमाग में बस दो चेहरे घूम रहे थे एक मेरा हस्बैंड जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और दूसरी मेरी फैमिली जिसे मैं बेशुमार प्यार करती हूँ दोनों मेरे अजीज है पर ये दोनों जुड़ नहीं रहे दोनों दो अलग पोलारिटीज़ पे है डिनर हो गया मैं मैं खाली फिज़िकली प्रेजेंट थी मैं मेंटली बिल्कुल एब्सेंट थी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे वजह से मेरी फैमिली इज गेटिंग ट्रबल्ड ही इज़ गेटिंग ट्रबल्ड मैं धरती का बोझू निकलते वक्त बस कुछ मिनट्स पहले मैं बाथरूम में गई मैंने फिनाल की बॉटल लिया और मैंने पी ली आधी बॉटल मुझे मैं सेंसेस में नहीं थी मैं बाहर निकली बाथरूम से मैंने उन्हें ग्रीड किया हर किसी को आई वॉज स्टिल इन माई सेंसेस मैं स्टैके से नीचे उतरी मेरे पैर वॉबली थे मैं उसके पीछे चल रही थी आई न्यू आई एम गोइंग टू ट्रिप डाउन मैं गिरने के जैसा मुझे लग रहा था मैं नीचे उतरी और मैं नीचे उतरने के बाद मुझे उल्टी हो गई और मुझे फटाफट आईसीयू में लेके गया गया इमरजेंसी में लेके गया गया। दो दिन तक मुझे होश नहीं था आफ्टर टू डेज जब मैं होश में आई मैंने नर्स को बोला आई वॉन्ट टू सी माई हस्बैंड आप उनको अंदर भेज देंगे प्लीज़ वो जब वो में आया आई रूम में आया मैं उसको देख के खुश थी पर वो उसके चेहरे पर डर था वो डर मुझे खोने का नहीं था उसको उसको ये डर था कि मैं न्यूली ब्रांड न्यू वेडिंग ब्राइड मैं ब्रांड न्यू ब्राइड हूँ मैंने कहीं उसके अगेंस्ट में या उसकी फैमिली के अगेंस्ट में मैंने कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का केस ना लगा लूँ मैंने से बोला ऐसा कुछ नहीं होगा ये मैंने अपनी मर्जी से किया है मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ इट इज़ माई चॉइस मैंने खुद से किया है और मैंने स्टेटमेंट में भी यही दिया है उसे घर पे किसी को पता नहीं था वो बैक एंड फोर्थ मैंने मैं डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने मैके गई मेरे डैडी ने मना कर दिया था मैं अब इसको अपनी बेटी को वापस नहीं भेजूंगा ये इस नौबत पे आ गया है कि मेरी बेटी अब सुसाइड कर रही है आई विल नॉट गिव माई चाइल्ड बैक वो आया उसने मेरा हाथ पकड़ा सबके सामने बोला मैं इसको संभालूंगा बचा लूँगा प्यार करूंगा उसने मेरे डैडी को मेरे पेरेंट्स को अश्योरेंस दिया कि आई विल टेक केयर ऑफ़ हर नथिंग विल हैपन टू हर बट इट वॉज द सेम साइकिल मैं यहाँ पर आती थी मैके में वो मेरे पीछे पीछे आता था मनाता था ले जाता था और को उसकी बातों पे कन्विंसिंग लगता था कि नो नो आई नो हिम मैं इसको आठ साल से जानती हूँ ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता ही लव्स मी और ये लेके जाता था अगेन उस रूम में जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता था हम फाइट करने लगते थे और मैं उसको बोलती थी अब क्या हो गया अब ये क्या बात है एक फाइट के बाद ऐसा हुआ कि हमें मेहर मिलती है लड़कियों को मेहर मिलती है लड़कों से वो मेहर का उसने वीडियो निकाला वो गोल्ड मिला था मुझे गोल्ड सेट मिला था मुझे उसने उसका वीडियो निकाला और मैंने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो तो उसने बोला कि नो आई डोंट ट्रस्ट यू कहीं तुम झगड़ा करके ये गोल्ड लेके ना चले जाओ अब मैंने उसके मुंह पे हंस पड़ी मैंने बोला तुम इतने पागल हो कि तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूँ मैंने इतने साल तक कभी गोल्ड की बात ही नहीं की आई ऑलवेज यू से मुझे डायमंड्स पसंद है डायमंड्स पसंद है मैं गोल्ड के पीछे नहीं पागल हूँ सो so, ये तुम दिमाग से निकाल दो और उस वक्त उसने बोला तुम्हारी औकात भी नहीं है गोल्ड लेने की मैंने ठीक है ये अपने पास रखो मुझे नहीं चाहिए वो उसके पास रह गया था मैं अपने मैके में ही रही थी और अचानक से एक दिन कॉल आता है कि हमें मिलना है आप लोगों की फैमिली से मेरा पार्टनर अलॉन्ग विथ हिम चार लोग आए थे आ, मेरे घर पे मैं रूम में थी हॉल में डिस्कशन हो रहा था और अचानक से मैंने वर्ड यूज मैंने वर्ड सुना डिवोर्स हमें डिवोर्स चाहिए मैं रूम से भागती हुई बाहर आई और मैंने बोला मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ उस वक्त उसने मुझे देखा नहीं उस महफिल में भी किसी ने मुझे काउंट नहीं किया मेरे वॉइस को काउंट नहीं किया एक ज़ीफ़ एक ओल्ड पर्सन थे उनने कहा हमारे बच्चे को इसका नशा था अब ये नशा उतर गया है अब इसको किसी और का नशा लगाएंगे हम मुझे ये वर्ड्स सुन के जैसे किसी ने मेरे दिल पे डाइगर मार दिया हो कि ये तुम क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को तुम ऐसा स्टेटमेंट नहीं मारो किसी के लिए स्पेशली अ गर्ल सब थे और मैंने सोचा ये क्या बात हो गई मेरे पेरेंट्स थे मेरे जीजू थे मेरे भाई थे हर किसी ने वो वर्ड सुना किसी ने ये सेंटेंस सुना किसी को भी वो अच्छा नहीं लगा देन उन्होंने क्वेश्चन बोला कि ये सावली है हमारे यहाँ पे सारे गोरे हैं ये मैच नहीं करती है हमारी फैमिली में तो थोड़ा जम नहीं रहा है बच्चों लोगों को मैंने कहा मुझे जम रहा है मैं आज भी इसे उतना ही प्यार करती हूँ पर उसने मुड़ के आँख उठा के भी मुझे नहीं देखा वो लोग गए सेम नाइट मैंने उसको हज़ार जिलियन टाइम्स अगर होगा तो मैंने उसको जिलियन टाइम्स कॉल किया मैसेजेस किया हमारे कॉमन दोस्तों को मैसेजेस किया किसी ने रिप्लाई नहीं किया किसी ने हेल्प नहीं किया ना उसके कजिन्स ना रिलेटिव्स कोई नहीं आया आगे बढ़ के अचानक से दो दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद हमारे घर पर लेटर आता है कि उससे डिवोर्स चाहिए पहले उसने पेपर साइन किए वो पेपर मेरे पास आए मेरे पास आने के बाद मैंने पहला क्वेश्चन मेरे जी को पूछा हाउ इज़ ही उन्होंने एक पॉज लेके बोला कि ही लुक्स हैप्पी दिस इज़ इनफ फॉर मी टू साइन द पेपर्स मैंने खुशी खुशी साइन कर दिया पेपर्स ले जा खुश रहे जहाँ पे भी रहे तो खुश रहे 24 फोर आवर्स मैं शौक में थी एक बंदा जिससे मैं नाखून मैंने कट किया मैं ये तक बोलती थी मेरे पीरियड्स डिस्कशन हम करते थे मैंने दिन में कितनी सांसें ली है मैंने उसको बताती थी आई वॉज़ इन अ स्टेट ऑफ शौक ट्वेंटी फ़ोर आवर्स मैं रोई नहीं थी मेरे फैमिली ने मुझे थोड़ा सा स्पेस में दे दिया था मैं बेड पे कर्ल थी द नेक्स्ट डे ट्वेंटी फोर आवर्स मैं बेड पे कर्ल थी मेरी फैमिली आई मेरे पास दे आस्क मी नेक्स्ट वॉट मैंने बोला क्या मुझे कुछ नहीं पता आई डोंट नो मैं उसके बिना कुछ आगे सोच ही नहीं सकती हूँ दिस इज़ देंड फॉर मी मुझे इसके आगे कुछ दिख नहीं रहे हैं दे एंकरेज मी टू डू समथिंग आई से आई डोंट नो वॉट टू डू मैं पढ़ूँ लिखूँ मेरे में कोई ताकत नहीं है कि मैं ऐसे कुछ कर सकती हूँ उन्होंने गूगल खोला विद इन नो टाइम पाँच मिनट के अंदर मेरे हाथ में स्क्रीन शॉट रेडी था कि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक हो गया था फॉर बी एड मे को टीचिंग में काफ़ी शौक़ था तो उन्होंने मेरा बैचलर सेकेंड बैचलर था ये मेरा उन्होंने मेरा बैचलर्स में एडमिशन करा दिया एंड मेरा कुछ दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था सम हाउ आई स्टडीड स्टडी किया मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर दिया क्लियर कर दिया इट वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी क्योंकि मैंने इतने सालों तक उसके बिना मैं एग्जाम तक नहीं लिखने जाती थी आज मैंने एग्जाम ये मेंटल स्टेट पे क्रैक किया एक दिन अचानक से मेरे पेट में दर्द होता है मुझे लगा चलो नॉर्मल पीरियड क्रम्स जो होते हैं पेट दुखने वाला वो हो रहा होगा या गैस होगी या कुछ होगा ऐसी नॉर्मल दुख रहा है मेरे दीवार पकड़ते पकड़ते मैं बाथरूम तक गई एंड मेरे बॉडी में से एक कलेजी जैसा टुकड़ा था एक फ्लैश जैसे निकला एंड आई वाइक डेड मुझे पता था वो क्या है पर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था मैं उधर ही बाथरूम के फ्लोर पर बैठ के मैं रोई मुझे नहीं एक्सेप्ट करना था मुझे डॉक्टर का कन्फर्मेशन लेना था मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया मैं गई मैंने उससे पूरी कहानी नरेड की थोड़े टेस्ट करने के बाद शी गेम ये कन्फर्मेशन दैट येस डैट्स इट

मैं अब कोई स्टेट में नहीं थी उसके फालतू तो कोई सवाल के जवाब देने के लिए इट वॉज अ सीक्रेट बिटवीन मी एंड द डॉक्टर मैंने सब बोला ये कंसेंट अब मैं आपको नहीं देती हूँ कि आप ये बात किसी से डिस्कलोज करो आई नीड माई टाइम मैं घर गई आ, मैंने खाना पीना छोड़ दिया था मैं कि सब मैंने लोगों से बात करनी छोड़ दी थी मैं रो रही हूँ मैं जिंदा हूं मैं मर गई मुझे नहीं पता एंड द नेक्स्ट थिंग आई डिस्कवर इज आई एम इन डिप्रेशन मैं मेरे को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये डिप्रेशन में है ओके okay, मेरे को मेडिकेशन्स पर डाल दिया गया सोना लेट मैं वॉकिंग्स पर जाने लगी मैं जॉगिंग्स पर जाने लगी आई रियलाइज़ समथिंग वॉज रॉन्ग आई नीड समथिंग एल्स दिस इज़ नॉट इनफ ये मुझे इनफ नहीं कर रहा है डॉक्टर ने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ शॉक मेरे ऑर्गेंस बराबर वर्क नहीं कर रहे थे दे पुट मी ऑन मेडिकेशन मुझे मेडिसन्स दिए गए मुझे डिप्रेशन से निकाला गया मेरे ऑर्गेंस को बराबर फंक्शन करने के लिए मेडिसिन दिए गए थे दे आर वर्किंग प्रॉपरली और मुझे जो पी एच डी का ऑफर मिला था ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से तो मैं ऑस्ट्रेला शिफ्ट हो गई थी ड्यूरिंग uh, लॉकडाउन मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की लोगों की जॉब चले गई लोगों की फैमिली uh, लाइफ uh, डिस्टर्ब हो गई उनकी मैंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई उस दौरान मैंने एज अ काउंसलर आई सेव्ड मेनी लाइफ फ्रॉम फॉर पीपल गिविंग अप ऑन देयर लाइफ मैं ऑलरेडी एक तरफ से लाइफ से हारी हुई थी पर डीप डाउन हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया गया था कि तुम्हारा विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यू शुड हैव दैट नेवर गिविंग अप एटीट्यूड कभी कोई चीज़ से हार मत मानो फेल हो गए हो अटेम्प्ट वापस से करो तुम पास हो गए अगली बार तुम डेफिनेटली एग्जाम में क्लियर हो गए तुम्हें डेफिनेटली एग्जाम्स में पास होंगे तो तुम्हें अगर कोई लाइफ सिचुएशन कोई चैलेंज देती है इवन इफ़ यू फॉल दैट्स फाइन उठो वापिस फे फेस करो दुग्नी शक्ति से फेस करो एंड दैट इज़ वॉट मेरी फैमिली ने हमेशा मोटिवेट किया कि दैट्स ओके इवन इफ यू फॉल दैट्स फाइन पर आप चैलेंज करो भागो नहीं उस वजह से उनकी उस मोटिवेशन की वजह से और वो स्पाक मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी मुझे हर रात को नींद नहीं आती थी कि आई हैव सम ड्रीम्स मैं बचपन में वो ड्रीम्स डिस्कस करती थी मेरी फैमिली के साथ मुझे ये चाहिए मुझे ऐसा बनना है मुझे वैसा करना है मुझे वो टिक माक करना था पर कैसे मैं नहीं समझ पा रही जबकि मैं ऑलरेडी वो ट्रैक पे थी मैं पढ़ रही थी मैं पढ़ते पढ़ते उस वक्त मैं काम भी कर रही थी जब मैंने दूसरी बार पढ़ाई स्टार्ट किया मैंने दूसरी बार जॉब करना स्टार्ट किया मेरे डैडी वेल टू डू है मैंने कभी उनसे पैसा नहीं लिया है मैंने अपने ही पैरों पर पे खड़े होके इतनी हालत पे भी मैंने जॉब भी किया पढ़ाई भी की मैंने इतना नाम किया कि मेरा रेफरेंस लगाया गया वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से रेफरेंस भेजा गया एंड दे नॉमिनेटेड मी एज अ टीचर इन वन ऑफ़ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया जो भी था मेरे पास मैंने वो पूरी शक्ति थाट इमेजिनेशन जो भी था मैंने ट्वेंटी फोर आवर्स में से ट्वेंटी आवर्स ट्वेंटी टू आवर्स तक मैंने अपने सिर्फ ड्रीम पे वर्क किया माई ड्रीम इज़ आई वॉन्ट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग आई वॉन्ट बी पावरफुल मुझे लोगों की हेल्प करना है एक ज़माना था जब मुझे लोगों ने हेल्प नहीं किया था मुझे अब लोगों की हेल्प करना है द वस हु नीड हेल्प मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करना है जिसको मदद की ज़रूरत है और नॉट ओनली इन इंडिया नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते जाते मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आग हर किसी के अंदर लगी हुई रहती है उसको बुझने मत दीजिए किसी और की वजह से बुझने मत दीजिए एंड स्पेशली गर्ल्स यू शुड बी वेल यू शुड बी इंडिपेंडेंट आप किसी के भी मोहताज नहीं बनो बीट योर हस्बैंड योर पार्टनर योर डैड योर ब्रदर आपका खुद का एक आइडेंटिटी होना चाहिए छोटा ही सही रिस्पेक्टफुल एंड एंड डू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी किसी और की मत सुनो जो भी आपका मन करे दिल करे बस उसे फॉलो करो लोग तो बोलने वाले बोलेंगे किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की हमें पता है हम काबिल हैं। पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला तो आइए अपने हालातों को हरा कर जुड़ते हैं टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है पर कैसे ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें